our departmental accounts. Word itself says a departmental, department. There are different departments, like college level, commerce department, science department and arts department. The commerce department may be economic department, is a accounts department. There is a different. Each and every department. So department means the division of large business or sir. Large business organization. जो बड़ी बड़े business officer हैं वो अपने work को क्या करता है? Divide कर देता है. Dealing with the specific area of activity. और हर एक department क्या करता है? एक particular activity हो. अब बड़ी बड़ी company आए हैं. एक department काम क्या करेगा? Purchase department. They only focus on purchase. Sales department. They only focus on sales. HRD department, HRD यानी human resource development. तो कल वो कितने employee चाहिए, employee को कब training दे रहा है, तो कल वो employee से concern रहेगा. That means बड़े बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक एक पर्टिकुलर एरिया वाइज क्या करता है, क्या करता है, डिवाइस करता है. And each every division is called a department. सारा ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है, ज्यादा काम है, एक ही आदमी करेगा, एक ही जगह कंट्रोल करेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो बेटर टू क्या करो, उसको डिवाइड कर दो. सो लार्ज और सम बिजनेस कंसर्न मे बी डिवाइड इन टू डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड सेक्शन. यू कांट से द ब्रांच, ब्रांच वर्ड नहीं बोलते हम लोग, डिपार्टमेंट. अब ब्रांच मतलब टाटा शोरूम या बाटा शोरूम था, उसका अंधेरी ब्रांच है, विले पार्ले ब्रांच है, कुर्ला ब्रांच है, ऐसा उसका लोकेशन अलग अलग रहेगा. लेकिन डिपार्टमेंट मतलब एक ही छत के नीचे सारे काम हो रहे, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट है. अब बड़े हॉस्पिटल में अलग, ऊपर हॉस्पिटल चले जाओ, जब भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अब उसमें अलग. या होली स्पिरिट चले जाओ, सुनिए होली स्पिरिट, सुने हो? अब होली स्पिरिट में आए, एक ही डॉक्टर नहीं बैठता है, तेरे एन नंबर डॉक्टर है. अब पर्टिकुलर कौन सा प्रॉब्लम है उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड होगा, तेरे अलग अलग डिपार्टमेंट है. सो ईच डिपार्टमेंट कैरीज आउट सम स्पेशलाइज एक्टिविटी. हर एक डिपार्टमेंट का कुछ स्पेशलाइज वर्क रहेगा, स्पेशलाइज का कुछ खास वर्क उस डिपार्टमेंट को अलॉट हुआ रहेगा. Since all the department operate under the one roof, one roof यानी एक ही छत के नीचे. वो डॉक्टर बोले कहाँ पे काम कर रहा है, होली स्पिरिट में. दूसरा डॉक्टर कहाँ काम कर रहा है, होली स्पिरिट में. सर एक ही नाम है, एक ही छत के नीचे काम कर रहे लोग, लेकिन उनके डिपार्टमेंट अलग. एक सर डॉक्टर से पूछे उसके बारे में, सॉरी हम नहीं जानते, आपको जाके इंक्वायरी कॉल कर पूछना पड़ेगा. तो हर एक डिपार्टमेंट खाली अपने बारे में फोकस करता है, नॉट कंसर्न अबाउट द अदर डिपार्टमेंट. ऐसा भी नहीं कि एक डिपार्टमेंट का डॉक्टर नहीं आया तो दूसरा डिपार्टमेंट डॉक्टर देगा, हाँ थोड़ा पेशेंट को मैं देख लेता हूँ. नो, तो सिंस ऑल द डिपार्टमेंट वर्क अंडर ऑपरेट ऑफ द वर्क अंडर द वन रूफ, वन रूफ मतलब एक ही छत के नीचे. अनलाइक द ब्रांच, ब्रांच में ऐसा नहीं होता, ब्रांच में भी लोकेटेड इन द डिफरेंट लोकेशन ऑफ प्लेस. ब्रांच और डिपार्टमेंट फर्क क्या है, डिपार्टमेंट एक ही जगह रहता है, ब्रांच अलग अलग एरिया में हो सकता है. डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द वेरियस फंक्शन और प्रोडक्ट और सर्विसेज. अब डिवीजन किस हिसाब से कर सकते, उनके काम के हिसाब से, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से. मान जैसे भी बहुत सारे मॉल जैसे या बड़े बड़े शोरूम है, ओके ना. अब शोरूम है तो अब उसमें मान लो पूरी फैमिली की शॉपिंग के लिए, अब कपड़े शॉपिंग करने के लिए गए, फैमिली गए हैं, कपड़े से बच्चों के लिए गारमेंट्स कपड़े जो है अलग है, लेडीज के लिए होगा तो अलग सेक्शन में जाना पड़ेगा आपको, है ना. और फिर अगर जेंट्स का है तो अलग सेक्शन होगा, एक ही दुकान के अंदर घुस गए हो, ठीक है. वो मतलब किड्स का है वहाँ पर बोलोगे, लेडीज का भी है, सारी आपको आगे वाले सेक्शन में आपको मिलेगा. एक ही छत के नीचे बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट
डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, वो जो क्या उसका ऑपरेटर रहेगा, लाइक द हॉस्पिटल प्रोवाइड मल्टीपल सर्विस, ओपीडी सर्विस, क्या होता है ओपीडी? अगर क्या अलग है ओपीडी? अरे नहीं तो मुझे लगा ओपीडी की बात कर रहे हैं। ओपीडी जो फोन में आता है तो छोटा ना 4-3 डिजिट का नंबर आता है। अंदरी लापा दूंगा मैं हॉस्पिटल में ओपीडी के लिए मेरे ओपीडी आउट पेशेंट सर्विस। अरे वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए नहीं, वो ऐसी नॉर्मली आ रही रोज का जाके अपना मतलब टेक में लेके आ जाना, वन डे सर्विस। पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक मतलब बच्चों का डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक हड्डी का डॉक्टर, डेंटिस्ट ऑफिसर आपका ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, हड्डी के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक ENT, ear and nose and throat, तो उसके डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के डॉक्टर, इस तरह से अलग अलग स्पेशलिस्ट हर एक सर्विस के लिए रहेंगे। अपने जो पाइपलाइन में ब्रह्मा विष्णु महेश डॉक्टर नहीं, ओके ना, कि हर बीमारी के लाल पीला बोल देते हैं। सर्विस डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, और हर एक सर्विस क्या होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड हुआ रहेगा। सेम डीमार्ट, अब डीमार्ट में भी देखोगे तो कपड़े का सेक्शन अलग है, स्टेशनरी के अलग है, टॉयज का अलग रहेगा, है ना, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट है। सेम बिग बाजार में भी वैसे ही है, सुपर मार्केट एंड ऑल द मॉल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS-17 मेजर फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए डिपार्टमेंट अकाउंट्स का जो रूल्स है, जो ये सब है, ये मिस्टर उमेश का लिखा हुआ नहीं है, ये अकाउंटिंग ना तो एना पूरे मुझसे लिखा हुआ तो वो लिख दिए। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS-17 ICAI लिखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया ने AS-17 रूल में दिया है। सच डिविजन बेस्ड ऑन द टू मेन फैक्टर, कैसे अकाउंट्स को हम डिवाइड करेंगे, दो तरीके से, एक बिजनेस वाइज और एक ज्योग्राफिकल एरिया वाइज। अब बिजनेस वाइज में कौन सा काम कर रहा है, और ज्योग्राफिकल एरिया वाइज मतलब ये पूरा इतना बड़ा स्पेस है ए राज्य, तो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे हम लोग क्या करेंगे एरिया वाइज डिवाइड कर देंगे। अब ए ब्लॉक रहेगा, अब ए ब्लॉक के अंदर भी फिर चार केबिन रहेंगे अलग 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 प्रोडक्ट के लिए, बी ब्लॉक होगा तो बी ब्लॉक में भी अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, जब मॉल में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर ना, दैट इज ज्योग्राफिकल एरिया वाइज। तो अकॉर्डिंग टू AS-17 डिविजन कैसे होता है, डिविजन बेस्ड ऑन द टू फैक्टर, कौन से दो फैक्टर, एक बिजनेस वाइज और दूसरा एरिया वाइज। ओके, तो गया पहले आपका डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन। अब फायदा क्या डिपार्टमेंट को क्यों करना चाहिए डिपार्टमेंटल वाइज, वो तो गेहूं का घूम पिसना। अब गेहूं का घूम पिसना तो कोई डिपार्टमेंट में कामचोर भी वर्कर रहेगी और कोई ईमानदार भी रहेगा। जब अगर सबका हिसाब एक साथ ही करूंगा मैं तो कामचोर के बारे में पता चलेगा क्या कि कौन कामचोर है कौन ईमानदार है? नहीं, तो कामचोर हमेशा क्या करेगा, ईमानदार की छाया में उसका भी काम निकल जा रहा है और नुकसान किसका आएगा, ईमानदार होता है उसको प्रमोशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन मैं अलग अलग डिपार्टमेंट का रखा हूँ तो हर एक एम्प्लॉयज के बारे में डिटेल अलग अलग है, कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, उससे ओनर को एक आइडिया रफ आइडिया मिल जाता है। ओके ना, सो नीड ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, वाई वी नीड अ डिपार्टमेंट अकाउंट, व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट
इट इज नेसेसरी टू असर्टेन द प्रॉफिट लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जब किसी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो तो जरूरी है कि हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस आप अलग अलग निकाल कर रखो। इफ ओनली सिंगल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटेड फॉर द इंटायर बिजनेस देन वी कांट कम टू नो द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ ईच वन। यस, एक ही प्रॉफिट लॉस पूरे बिजनेस का आप निकालना चाह रहे हो तब हर एक डिपार्टमेंट के बारे में उनकी कितना प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसा है, उसको जज करना पॉसिबल नहीं है। मान लो कंप्यूटर क्लास है, इधर है, अगर हिसाब किताब में कंप्यूटर क्लास है इसका दोनों एक साथ रखूंगा तो पता नहीं चलेगा कि कितना पैसे आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। सब अलग रखूंगा तो लगेगा कि कंप्यूटर क्लास से भी फायदा नहीं हो रहा है, उससे लाइट बिल भी आ रहा है, मेहनत भी जा रहा है ना, तो इससे अच्छा बंद कर दो। तो जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से फायदा क्या है कि कौन से डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है वो आप क्या कर सकते हो, आराम से इजीली जज कर लोगे और जज करने में आप और अपना डिसीजन लो कि मुझे उसको कंटिन्यू करना है कि बंद करना है। सम टाइम द लॉस ऑफ वन डिपार्टमेंट विल बी सेट अप अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द अदर। यस, अक्सर ऐसा होता है क्या, एक डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा है और दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है। देखिए बिकॉज क्या हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट का हिसाब किताब आप एक साथ करते हो तो जिसका लॉस हो रहा हो क्या होगा, बच जाएगा, सब एक साथ ही काम कर रहे हो। तो अगर कंबाइन काम कर रहे हो, मान लो जरी जैसे कर रहे हो कॉलेज, स्कूल कॉलेज में पांच पांच का ग्रुप बना रहे हो, ओके ना, और जो पांच पांच का ग्रुप बना रहे हो तो चार अगर अच्छा भी कर रहे हो एक खराब कर रहे हो तो भी उसका खराब वाला काम चार अच्छे के साथ छुप जाएगा वो, लेकिन चारों अलग अलग करेंगे तो पांचों तो जो खराब अलग अलग हो गया ना जगह मान पड़ा ये खराब कर रहा है। मैच खेलते टीम में 11 प्लेयर है, अब चार अच्छे प्लेयर खेले, अच्छा खेल लिया, मैच जीत गया, लेकिन वो जो पांचवा प्लेयर जीरो पे आउट हो उसके बारे में मानना नहीं पड़ेगा यार, मैच जीता ना, हाँ ओके ना। तो दैट मीन्स ये सारे इश्यूज है क्या भाई, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग ईच डिपार्टमेंट विल बी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट सेपरेटली। सो इसमें डिपार्टमेंट में क्या आएगा, हर एक डिपार्टमेंट अपना अकाउंट अपना खुद का हिसाब पूरा खुद लिखो और जो एचओ यानी हेड ऑफिस मेन ऑफिसर है उसको क्या करो, रिपोर्ट करो। सो डिपार्टमेंट अकाउंट ईच डिपार्टमेंट विल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट सेपरेटली। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट सेपरेट दिन भर का आप रिकॉर्ड करो ट्रांजेक्शन और फिर शाम को आप क्या करो ऊपर वाले को सब, कुछ लोग वीक वाइज एक वीक का पूरा रखो लिखो फिर रिपोर्ट करो और कुछ लोग मंथली वाइज करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन। सो प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर इन अ कॉलमनर फॉर्म टू नो द प्रॉफिट लॉस। अभी तक हम लोग ट्वेल्थ में कैसे कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक ही साथ किया ना, अब हम लोग क्या करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी तीनों का प्रॉफिट लॉस करेंगे, इससे मालूम पड़ेगा कि तीनों का नेट प्रॉफिट कितना है। हो सकता है कि दो का नेट प्रॉफिट और एक का लॉस आ रहेगा, हो सकता है कि दो का लॉस और एक का प्रॉफिट आ रहेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, हमको ईच एवरी डिपार्टमेंट के बारे में कंप्लीट आइडिया हो जाएगा एंड सो द ओनर कैन नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईच सेक्शन। और जो मालिक है उसको भी आइडिया रहेगा कि किस सेक्शन से मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है एंड वेदर टू कंटिन्यू एंड डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और क्लोज सम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। और फिर अपना डिसीजन लेगा कि मुझे कोई डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए। ओके, ये फायदा होता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। ठीक है, पॉज कर। नाउ तो अपने मान पड़ेगा कि डिपार्टमेंट का अलग अलग अकाउंट बनाने से क्या फायदा होगा, हर डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता चल जाएगा बराबर, ठीक है ना। अब कैसे पता चलो, तो हिसाब किताब अलग रखना पड़ेगा ना, सेल्स फर्चर रिटर्न, हर एक डिपार्टमेंट कितना खरीदता है कितना बेचता है, कितना डिफेक्टिव आइटम रिटर्न करते रहेंगे, कितना कस्टमर भी रिटर्न करते रहेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बचपन में पढ़ा लगा, परचेज बुक, सेल्स बुक, सब्सिडरी बुक, सुने सब्सिडरी बुक 11th स्टैंडर्ड में, सब्सिडरी बुक नहीं सब्सिडरी पर्चे बुक, सेल्स बुक, पर्चे रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक,
करेंगे डे बुक, डे बुक मतलब रोज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, एंड द लेजर्स और क्या डिपार्टमेंट वाइज, ये सब हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रखते हैं। सो द डे बुक आर डिजाइन सो दैट ट्रांजेक्शन ऑफ ईच डिपार्टमेंट शोज सेपरेटली। तो इस तरह से डे बुक बनाया जाता है ताकि हर एक मतलब चलते डिपार्टमेंट का ट्रांजेक्शन अलग अलग कॉलम में अपने आप रिकॉर्ड होगा। और आजकल कोई सॉफ्टवेयर आ गया है जैसे मतलब आपका बैंक अकाउंट डिजिट, बैंक अकाउंट का अकाउंट का नंबर, अकाउंट नंबर पहले ना 6 या 7 डिजिट का होता था, तो आप बैंक के कस्टमर नहीं होते थे। मान लो मैं SBI में मेरा अकाउंट है और मरोल में है, तो भाई मैं मरोल SBI का अकाउंट कस्टमर हूँ, किसी और SBI के अकाउंट में जाऊँगा तो मालूम ही नहीं पड़ेगा मेरे वाले में। लेकिन अब देखोगे तो 12 डिजिट का नंबर, किसी का 11 डिजिट का होता है, किसी का 14 डिजिट का भी होता है, किसी का 16 डिजिट का भी अकाउंट नंबर होता है ना। अब इससे क्या हो गया, फिर नेशनल लेवल पे कहीं पे मान लो अगर SBI का कस्टमर आप यहाँ हो और SBI के गांव में अकाउंट जाके पूछोगे तो डिटेल आपको मांग पड़ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन तो कैसे क्या है देगी, तो अब मान लो मरोल में आपने पैसे जमा किया और आपका अकाउंट गांव में है तो भी आज आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से आजकल सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग डिपार्टमेंट का ट्रांजेक्शन है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, उस डिपार्टमेंट के अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हो जाता है। चलिए पर्ची बुक सेल्स को कहें पर्ची रिटर्न। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही लगता है, मीन्स द एक्सपेंस डायरेक्टली कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो एक्सपेंस दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं आएगा। अब टॉयज डिपार्टमेंट है तो ऑब्वियसली खिलौना तो टॉयज डिपार्टमेंट का ही है, ओके। अब कोई दूसरा डिपार्टमेंट लिखेगा टॉयज का खर्चा, वो क्यों लिखेगा भाई, टॉयज कौन खरीदता बेचता है, मतलब वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाला करेगा तो उसका खर्चा हो रहा है खाली, दूसरे डिपार्टमेंट वो खर्चे से कनेक्टेड नहीं है, है ना। इस तरह से कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो पर्टिकुलरली दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही होगा, दूसरे डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं रहेगा। मान लो अगर कोई साग सब्जी वाला है, अब हरी सब्जी है तो पेरिसेबल आइटम है, आज भारत बंद है, अब वो साग सब्जी जो कल खरीदे रहेंगे तो आज बिक जाना चाहिए था। ऐसे तो बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं जैसे डीमार्ट और बिग बाजार, वो लोग इतना कोल्ड स्टोरेज होते हैं कि वो लोग रखी लेते संभालते हैं। फिर भी मान लो अगर जनरली मान लेते अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, छोटा दुकान ही है, तो क्या खराब हो गया, ओके। तो वो डिपार्टमेंट लिखा कि इतना वेस्टेज हो गया साग सब्जी का, उतना वेस्टेज कोई और दूसरा डिपार्टमेंट में लिखेगा, वो क्यों लिखे, सब्जी डिपार्टमेंट के पास जो रहेगा उसको हुआ ऐसा, ठीक ना। दैट मीन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट का है तो वो लोग ही रिकॉर्ड करेंगे उसको। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कॉमन होते हैं, अब जैसे मान लीजिए अरे मैंने इंक लाया इंक का, ओके ना, तो उधर के लिए नीचे के लिए अलग नहीं लाता, वो इंक साथ आएगा तो नीचे भी हो जाता है, कभी नीचे का क्लास बंद है तो कंप्यूटर क्लास में बोर्ड है छोटा सा लगा हुआ उधर पे, वो साथ में दूसरी बॉटल ली अभी उसके लिए, उधर में अब ये एक्सपेंस दोनों जगह के लिए कॉमन है। लाइट बिल अलग अलग नहीं भराता एकदम, कॉमन लाइट भरते हैं। कुछ ऐसे खर्चे जो कॉमनली पेमेंट होता है क्योंकि बाद में उनको हिसाब रखना पड़ेगा, हमें इस क्लास के लिए लाइट बिल कितना जा रहा है, उस क्लास के लिए कितना जा रहा है, यूनिट होता है ना, यूनिट का रीडिंग उसके हिसाब से। तो ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको ये नहीं क्लियरली देख के लगेगा कि हाँ ये इस डिपार्टमेंट का खर्चा है, क्योंकि वो ओवरऑल जनरली सबके हुआ रहेगा। देर आर द मेनी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मतलब कंबाइंड, एंड नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कुछ खर्चे जो पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट का होता है तब तो इसमें जाएगा ये इधर। कुछ ऐसे खर्चे जो किसी खास विशेष डिपार्टमेंट का नहीं बल्कि वो क्या है कॉमन सबके लिए है, कॉमन परचेज, कॉमन सेल्स,
रेंट, इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट और रेंट, क्योंकि एक ही छत के नीचे सब है तो रेंट तो एक साथ पेमेंट हो रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक साथ पेमेंट हो रहेगा, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी, ये सब कुछ ऐसे कॉमन खर्चे हैं। दीज कॉमन एक्सपेंसेस नीड टू बी चार्ज ऑफ एलोकेट, एलोकेट मतलब डिवाइड, एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वाइज ऑन अ सुटेबल बेसिस और अप्रोप्रिएट मैनर। अब हमको ऐसे खर्चे जो कॉमन होते हैं उसको हमको एक पर्टिकुलर मतलब एक उचित अनुपात में क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू एलोकेट द एक्सपेंसेस इन अ सुटेबल बेसिस और अप्रोप्रिएट मैनर। अप्रोप्रिएट मैनर मतलब उचित तरीके से क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस दोनों डिपार्टमेंट को डिवाइड करें। मतलब जैसे अभी एक क्लास है जो पिलर है यहाँ से मैं डिवाइड कर दूँ, तो ध्यान से देखोगे तो लकली वाले दोनों का एरिया पोर्शन उस साइड का पोर्शन इस साइड का पोर्शन सेम है। लाइट भी देखो अगर छह लाइट है तो तीन लाइट इधर तीन लाइट उधर, दो पंखे एक पंखा एक उधर, तो इलेक्ट्रिसिटी मैं क्या करूंगा इक्वल डिवाइड कर दूंगा, फिर तीन लाइट इधर तीन लाइट उधर, एक पंखा इधर एक पंखा उधर। एक मान लो तो उस साइड दो पंखा यूज हो इधर एक ही पंखा यूज हो, उधर डबल यूज हो इधर एक ही यूज हो रहा है, इस तरह से हम कैसे करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कुछ एक्सपेंसिव पे जो डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट का होता है तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ ऐसे एक्सपेंसिव जो कंबाइंड होता है उसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसके अलग अलग रूल है। ठीक है, और उसको